वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में आपको नॉलेज एंड कार्यक्रम का फर्स्ट क्वेश्चन कराया था, पाठ्यक्रम की क्यों आवश्यकता है। तो पाठ्यक्रम की क्यों आवश्यकता है, और मैंने आपको इसमें 12 पॉइंट जो है आपको एक्सप्लेन किए थे, समझाए थे कि हम जो है हर स्कूलों में ये कुछ जो है सामान्य तौर पर पाठ्यक्रम जो है बनाए जाते हैं, उसके उद्देश्य कई प्रकार का। और आज हम पढ़ेंगे पाठ्यक्रम के अप्रोच क्या है, डिफरेंट अप्रोच ऑफ कार्यक्रम के, पाठ्यक्रम को किस तरीके से लोग जो है संस्था जो है लागू करती है। तो पाठ्यक्रम को पढ़ाने के तीन तरीके हैं, तीन अप्रोच हैं, ठीक है। पाठ्यक्रम जो है सिद्धांत, पाठ्यक्रम सिद्धांत के तीन अप्रोच हैं। पहला परंपरागत उपागम, ठीक है, उपागम यानी कि अप्रोच, ट्रेडिशनल इसको बोलते हैं हम, ट्रेडिशनल अप्रोचेस। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड है इसका अधिगम चालित, जो हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, अगला टॉपिक जो हमारा ये होने वाला है, ठीक। ये है आपका अधिगमकर्ता चालित उपागम, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं लर्नर ड्राइवर अप्रोच, ठीक। और थर्ड है इसका है आलोचनात्मक उपागम, ठीक है, इसको बोलते हैं क्रिटिकल अप्रोच। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वह है आपका परंपरागत उपागम, ट्रेडिशनल अप्रोच। नेक्स्ट के वीडियो में हम अधिगम चालित उपागम करेंगे, उसके बाद आलोचना। ट्रेडिशनल उपागम ये मैंने आपको करवा दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यक्रम की क्यों आवश्यकता है। सेकंड क्वेश्चन है इसका पाठ्यक्रम के परंपरागत उपागम के बारे में आप क्या जानते हैं। परंपरागत पाठ्यक्रम आज आलोचना का केंद्र बना हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में जो नवीन प्रवृत्तियाँ हैं उन्हें यह सिद्ध कर दिया है परंपरागत पाठ्यक्रम ना तो युग के अनुकूल है और ना ही बालक के, ठीक है। ऐसा क्यों कहा गया, इस आगे हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें इस दोष को दूर करने के लिए अनेक प्रकार के पाठ्यक्रम प्रस्तावित करके उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में उन्हें लागू किया गया है, किंतु युग युग से चले आ रहे इस पाठ्यक्रम में कुछ ऐसी शक्ति है कि हम किसी न किसी रूप से इसे अपनाए हुए हैं, और कुछ सब कुछ देखते समझते हुए भी इसका मोह नहीं त्याग पाए हैं। पाठ्य पुस्तक पर आधारित होने के कारण या पुस्तक का पाठ्यक्रम तथा विषयों का केंद्र मान के चलने के कारण यह विषय केंद्रित पाठ्यक्रम भी कहलाता है, ठीक है। तो ये पाठ्यक्रम परंपरागत पाठ्यक्रम के बारे में इंट्रोडक्शन है। इसमें क्या होता है, परंपरागत पाठ्यक्रम में बालक को महत्व ना देकर विषय को महत्व दिया जाता है, यानी कि विषय केंद्रित है, सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम है ये। इसमें हम बालक को क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना उस पर ध्यान नहीं रखते, जो सब्जेक्ट मैटर है जो बच्चों को पढ़ना चाहिए उसको महत्व दिया गया है। यह बात पूर्व निर्धारित होती है कि बालक को क्या पढ़ना है और शिक्षक को क्या पढ़ाना है। विषय के प्रत्येक प्रकरण की व्याख्या की जाती है। अध्यापक केवल उसी विषय प्रकरण को पढ़ाता है जो पुस्तकों में दिया गया होगा, उसके बाहर से वो कुछ भी नहीं पढ़ा पाता, चाहे बालक के लिए वो कितना भी आवश्यक क्यों ना हो। इसलिए आज के युग में कहते हैं कि इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज का जो है मनोवैज्ञानिक है, यानी कि बच्चों के मन के हिसाब से पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो देखते हैं इसकी क्या विशेषताएँ हैं। परंपरागत विषय केंद्रित पाठ्यक्रम के गुण या विशेषताएँ, अनुभवों की प्रभावशाली व्याख्या के लिए आवश्यक है ये, ठीक है, समझने में सरल है और साधारण है। थर्ड, सरलता से परिवर्तनीय है, मूल्यांकन में सरलता है, बौद्धिक विकास में सहायक है, मानव व्यवहार के सुधार में सहायक है, शिक्षक शिक्षार्थी तथा अभिभावकों, ठीक, अभिभावकों द्वारा समर्थित है ये। परंपरागत विषय केंद्रित या पाठ्य की कमी क्या है, दोष क्या है, विषय के रूप में संकुचित अवधारणा है। अमनोवैज्ञानिक ये सबसे बड़ा इसका अवगुण यही है कि आज के ज़माने में ये अमनोवैज्ञानिक है, ये इसका इतना यूज़ नहीं है। प्रजातांत्रिक मूल्यों के विपरीत है, यह सीखने की प्रक्रिया को सीमित करता है, इसमें बस थ्योरी होती है, बच्चों को बस पढ़ाया जाता है, पुस्तक और सैद्धांतिक ज्ञान पर बल दिया जाता है, निर्माण दोषपूर्ण है, शिक्षकों के अधिक साधनों की अवहेलना की जाती है, सांस्कृतिक एवं आदित्य बपोती धरों की अवहेलना होती है, परीक्षाओं का सिर्फ एकाधिकार है, परीक्षाओं का अत्यधिक भार होता है इनमें,
शिक्षक नई शिक्षा विधियों को नहीं अपनाता। इसमें माध्यमिक शिक्षा जो है, सेकेंडरी जो एजुकेशन आयोग कमीशन है, उन्होंने क्या दोष दिखाए हैं। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने परंपरागत विषय केंद्रीय पाठ्यक्रम में कुछ दोषों की ओर इशारा किया। आयोग ने इसका गहन रूप से विश्लेषण किया तथा निम्नलिखित कमियों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया। क्या कमियाँ हैं? पहला, इसमें संकुचित अवधारणा है, सैद्धांतिक और पुस्तकीय है, विषय वस्तु का बहुत बहुत से बहुत ज़्यादा विषय वस्तु बांध दे रखा है, सिर्फ एकांकी पाठ्यक्रम है, परीक्षाओं का आधिपत्य है, व्यक्तित्व भेदों के अवहेलना है, ठीक है, इसमें पर्सनैलिटी बच्चों की जो है नहीं आती, पर्सनल जो है, तकनीकी और व्यावसायिक अध्ययन का भी अभाव है। इसमें सुझाव करके हम इसे कुछ सुधार कर सकते हैं। परंपरागत विषय केंद्रित पाठ्यक्रम में केवल सैद्धांतिक और पुस्तकीय है। हमें चाहिए कि पाठ्यक्रम में जीवन संबंधित सभी विषयों को क्रियाओं को स्थान दे। पाठ्यक्रम में स्वास्थ्य शिक्षा पर अधिक बल नहीं दिया गया, अतः सभी बच्चों को स्वास्थ्य शिक्षा संबंधी नियम एवं क्रियाओं का ज्ञान कराना चाहिए। थर्ड, बच्चों को मनोवैज्ञानिक भिन्नता को ध्यान रखते हुए बहुमुखी कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए। पाठ्यक्रम में उपयोगिता का ध्यान रखना भी आवश्यक है। पाठ्यक्रम का चयन करते समय बच्चों की छवि, रुझान, योग्यता, आवश्यकताओं का ज्ञान अवश्य रखा जाए। पाठ्यक्रम को परीक्षाओं में से अधिक महत्व देना चाहिए। जब तक परीक्षाओं में सुधार नहीं किया जाता, पाठ्यक्रम सुधार नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको समाप्त। लास्ट में, वर्तमान स्थिति यह है कि शिक्षा के विषय ने 1853 से ही पाठ्यक्रम सुधार में प्रयत्न किए हैं, और जहाँ तक सैद्धांतिक बात है, आज का पाठ्यक्रम इन सभी क्षेत्रों से, इन्हीं दोषों से मुक्त है। अब आज का जो पाठ्यक्रम है सैद्धांतिक ना होकर प्रैक्टिकल हो चुका है ज़्यादातर। ठीक है, तो ये आपका कौन सा अप्रोच हमने पढ़ा आज पाठ्यक्रम का, परंपरागत उपागम के बारे में पढ़ा। ठीक है, कितने सिद्धांत हैं इसको पढ़ाने के तरीके हैं, तीन हैं, परंपरागत उपागम, अधिकरण चालित उपागम यानी लर्नर ड्राइवर, जिसमें लर्नर सेंटर होता है, इसमें ट्रेडिशनल में सब्जेक्ट सेंटर होता है। ठीक है, और लास्ट है आलोचनात्मक उपागम, यह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, आज हमने ये कंप्लीट कर लिया। ओके स्टूडेंट्स।